24 में आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। बिजनौर में शौच मुक्त अभियान में किया जरीफन को सम्मानित, ग्रामीणों की बेकाबू सांड को पकड़ने की मांग। बिजनौर की खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। बिजनौर में शौच मुक्त अभियान में अहम भूमिका निभाने को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जरीफन को लखनऊ में किया सम्मानित। एक और जहां देश में स्वच्छता अभियान जोरों पर चल रहा है, वहीं बिजनौर की एक रसोईया ने शौच मुक्त को लेकर एक अभियान चलाया, जिसके तहत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जरीफन को लखनऊ में सम्मानित किया। तुलसी निवासी स्वच्छताग्राही जरीफन को महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिवस पर लखनऊ में आयोजित समारोह में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नायक ने स्वच्छ भारत मिशन के ODF अभियान में सक्रिय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। DM अटल कुमार रॉय, SP उमेश कुमार, SDM पंकज वर्मा ने इसकी बधाई दी। जरीफन ने बताया कि वर्तमान DM व पूर्व DM और CDO की प्रेरणा से वह खुले में शौच पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ODF से जुड़ी है। वे समाज को प्रेरित कर 387 शौचालयों का निर्माण करा चुकी है और गांव के लोगों को भी ये प्रेरणा देती है कि खुले में शौच ना करें। उन्होंने अपने ही गांव की महिलाओं को घर घर जाकर सरकार की योजना के बारे में बताया और समझाया। अब जरीफन गांव की महिलाओं के साथ समूह बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए काम कर रही है। फैजल खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जरीफन। जरीफन जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? ग्राम मौजमपुर तुलसी, ब्लॉक नजोबा, जनपद बिजनौर। आपको 2 अक्टूबर में योगी जी ने सम्मानित किया है, आपको किस लिए सम्मानित किया गया है? मैं सम्मानित इसलिए कहा गया है मुझे, मैंने स्वच्छतागिरी अभियान चलाया, समूह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए चलाया, समूह का लेन देन सब कुछ बताते गई वो इसके लिए। सन 2016 में 9 नवंबर को राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया और सन 2018 को 2 अक्टूबर में मुख्यमंत्री से सम्मानित किया। आप इस स्कूल के अंदर एक रसोईया के पद पर तैनात थी, आप बच्चों को खाना खिलाती थी, खाना खिलाते के साथ क्या क्या आप बच्चों को शिक्षा देती थी? बच्चों को खाना खिलाने से पहले बच्चे जैसे स्कूल में एंट्री करते थे तो बच्चे बैठते थे, हम बच्चों को कहते थे बच्चे अपना हाथ धो के बैठिए, क्योंकि घर से आए हैं अपना हाथों पर कीटाणु लेकर आए। उसके बाद फिर हमने खाना बना लिया तो खाना बनाने के बाद हमने बच्चे को कहा बच्चों खाना खाइए, तो बच्चे हाथ धोने चले गए। बच्चे खाने पर जैसे आते थे तो बच्चे हाथ नहीं धोते थे, लेकिन हमने बच्चों से बताया बच्चे हाथ धोएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज। फिरोजी, फिरोजी, गांव में जरीफन जी को योगी जी ने सम्मानित किया है जी, और आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। और ये जो लैटरिन बन रही है ये किसके, सरकार द्वारा बन रही है या अपने पैसों आप बना रहे हैं? हम अपने पास ही बना रहे हैं, अपने पैसों से। किसने प्रेरणा दी ये शौचालय बनाने के लिए आपको? ये हमारी मामी है जरीफन, इन्होंने प्रेरणा दी है शौच मुक्त के लिए जी। जरीफन गांव की महिला को देखकर आवाज की रहने वाली, वो MDM का खाना बनाने वाली रसोईया थी और उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में इतना उल्लेखनीय कार्य किया है कि जिले से रिकमेंडेशन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से उनको सम्मानित किया है। तो मैं ये कहूँगा कि पूरे जनपद को जरीफन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनका पद कितना भी छोटा हो, उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में ऐसा कार्य किया है कि सभी लोग उनसे प्रेरणा लेकर के अपने अपने क्षेत्र में ऐसे ही कार्य करें, जिससे जनपद बिजनौर और सभी लोगों का जो भी क्षेत्र हो पूरी तरह से स्वच्छ हो। और हमें गर्व है कि बिजनौर जो है ODF है, लेकिन अब आवश्यकता है ODF प्लस की कार्रवाई करने, जितना भी सॉलिड लिक्विड वेस्ट है उसके मैनेजमेंट की, बल्कि वेस्ट को अब हम वेस्ट ना करके रिसोर्स कहेंगे, क्योंकि जो भी कूड़ा कचरा है उसका अगर समुचित प्रबंधन हो जाए तो कूड़ा कचरा जो है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और जरीफन हमारे लिए और पूरे जनपद के लिए एक रोल मॉडल है, एक आइकॉनिक कैरेक्टर, मैं उनके कार्य की प्रशंसा करूँगा। शेरकोट के मुबारकपुर कुंडा में आवारा पशुओं ने किया लोगों का जीना बेहाल। शेरकोट के मुबारकपुर कुंडा में आवारा पशुओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। आपको बता दें कि एक आवारा सांड ने खेत में काम कर रहे युवक पर अचानक से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
साथ ही बीच बचाव करने पहुंची युवक की मां पर भी हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। अचानक हुए हमले से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और उन्होंने बेकाबू सांड को पकड़ने के लिए नगर पालिका से मांग की है ताकि किसी भी अन्य व्यक्ति को अपनी जान ना गंवानी पड़े। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनकी मां को CSC धामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजनौर से फैजल खान की रिपोर्ट। कुमार जी, क्या पूरा मामला है बताइए। मामला क्या, घर से हम आरएसटी में गए हुए थे जी। अब ये अचानक खेत में जा रहा था अपने घर में जी, वहाँ पे अचानक एक सांड आया, उसने आके उसको मार दिया। क्या नाम है इनका जिन्हें मारा? ललित कुमार। ललित जी को मार दिया जी। बिजनौर में लेडी सिंघम खनन अधिकारी के आते ही खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। बिजनौर की खनन अधिकारी रंजना शर्मा के आते ही खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अवैध खनन करने वाले खनन माफिया आरोप लगाने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं और दबंग खनन माफिया का नाम सुनते ही छिपने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। इस लेडी सिंघम ने उनके मंसूबों पर पानी फेर रखा है। खनन अधिकारी सहारनपुर से 2 महीना पूर्व जनपद बिजनौर में पोस्टिंग के दौरान खनन माफियाओं पर अपना शिकंजा कस दिया है और उन्होंने साफ साफ इन माफियाओं से कह दिया है कि जब तक मैं जनपद बिजनौर में हूं तो खनन माफियाओं के पैर नहीं फैलने दूंगी और अगर वो इस हरकत से बाज नहीं आए तो कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल में धकेल दूंगी। फिलहाल उन्होंने अवैध रूप से चल रही 2 JCB मशीनों को कोतवाली देहात के ग्राम अलीपुर जट से पकड़ लिया और थाने में उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सीज करा दिया। खनन से ओवरलोड गाड़ियों को लाइन में खड़ा कर दिया है। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है जी। नहीना क्षेत्र में अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध प्रवर्तन कार्य करते हुए हमें 2 JCB अवैध खनन करते हुए मिली, जिनको हमने पकड़ के नगीना कोतवाली देहात में सपोर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा भी हमारे विरुद्ध अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। इससे पहले भी 2 JCB हमने सीज की है और अलग अलग क्षेत्रों में वो जो है सपोर्ट कर दिया, उन पर कार्रवाई भी पेनल्टी भी लगी। अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि अगर वो खनन करते हैं तो सिर्फ व्हीकल पे ही हम लोग पेनल्टी या कंपाउंड नहीं कराएंगे, हम उनके लिए सजा या जेल का प्रावधान भी रखने के लिए आगे प्रपोजल करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। UFT न्यूज 24 से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।